खबर आज जो उसका आपके साथ शेयर होगा वो एहतलाम के मतलब है। इसे नाइट फॉल भी कहा जाता है। मर्द हजरात इस लफ्ज़ से अच्छी तरह वाकिफ है। मर्द हजरात खुसूसन नौजवानों में सोते में गैर इरादी तौर पर मनी का इखराज हो जाता है और कपड़े गीले होने की वजह से काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। और कभी कभार ये मसला हो उसको तो नॉर्मल लिया जाता है, अगर ये मसला बरकरार रहे तो काफ़ी सारे सेहत के मसाइल का सामना हो जाता है, जैसे जिस्मानी कमज़ोरी, जिंसी कमज़ोरी, गालों में घड़े पड़ जाना। इसकी वजूहात में जो अहम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फहश लिटरेचर का पढ़ना, फहश फिल्में देखना, मुश्त जनी करना, ये इसमें शामिल है। जो नौजवान इन चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं उन्हीं को ये मसला ज़्यादा होता है और ये इससे भी आगे जाके और ज़्यादा तबाही का मसला बनाता है। आम रूटीन में अगर आप चाहते हैं कि ये मसला बहुत कम से कम हो तो आप अपनी खुराक में दही, आंवला, प्याज और अनार का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। फहश फिल्मों और लिटरेचर से दूरी। लिटरेचर कौन से? लिटरेचर वो जो आपके जहन को परंगदा करते हैं। अच्छी अच्छी कुतुब का मुताला आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। आज जो नुस्खा आपके साथ शेयर होगा इसमें इलायची सफ़ेद और राल सफ़ेद बराबर मकदार में इस्तेमाल होंगी। इनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज के नुस्खे में हमारे पास राल सफ़ेद 20 ग्राम, सब्ज़ इलायची के दाने 20 ग्राम। इन दोनों को हम इकट्ठा पीस के बारीक सफूफ की शक्ल दे देंगे और फिर रोजाना 2 ग्राम सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से पीस चुके हैं। मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि इसमें राल सफेद और छोटी इलायची हम वजन लेती है 20 20 ग्राम, इनको अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। 3 ग्राम पाउडर जो है इसका, ये सफूफ जो बनाया हमने, दूध के साथ सुबह खाली पेट लेना है। चंद ही रोज़ में मुकम्मल शफा हो जाएगी लेकिन इस दौरान ख्यालात का पाकीज़ा और साफ होना शर्त है। मज़ीद अच्छे अच्छे नुस्खाजात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। डॉक्टर खावर।